अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाई स्टाइल में गला बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने गले की कटिंग कर ली है। पहले मैंने ऊपर से सिंपल गोल कटिंग की है और उसके बाद मैंने नीचे 2 इंच का कट लगाया है। जो गोल कटिंग करनी है वो आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकती हैं। मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उस हिसाब से पहले गोल कटिंग की है, फिर उसके बाद नीचे कट लगाया है। ये देखें, ये इस तरह से पहले ऊपर से गोल कटिंग है, फिर उसके बाद नीचे मैंने वी शेप में कट लगाया है। अब मैंने जो टाई बनानी है उसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। लंबाई आप इस अपनी हिसाब से ले लें और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। डबल ओके ये 2 इंच हो जाएगा। टाई के ये कपड़ा बिल्कुल सीधा ही लेना है, ये कपड़ा तिरछा नहीं लेना। अब मैं जो वी शेप है उसके नीचे फालतू कपड़ा रख के सिलाई लगा रही हूँ। नीचे मैंने कपड़ा रखा है फालतू और वी शेप में इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। ये कपड़ा मैं ऊपर से दरमियान में से काट दूँगी और इसको फिर फोल्ड कर दूँगी अंदर की तरफ। ये देखिए, जो कपड़ा था उसे भी मैंने वी शेप में काट लिया है। कट्स लगा के इसको अंदर की तरफ मोड़ लिया है। ये देखें, इस तरह से नीचे लगाया है मैंने। अब इसको ऊपर से एक सिलाई लगाऊँगी एक पाँव का गैप दे के। ये देखें, इस तरह से वी शेप में। जो टाई वाला गला है वो आप वी शेप के साथ भी बना सकती हैं और इसके बगैर भी बना सकती हैं। जब आप वी शेप में इसकी कटिंग करेंगी तो इस तरह से गले की सफाई आएगी। अब मैं कंधे जोड़ लूँगी। सिंपल कंधे मैंने जोड़ लिए हैं। अब कंधे जोड़ने के बाद मैं कपड़ा टाई का लगाऊंगी। ये देखिए, सेंटर से मैंने शुरू किया है, ये यहाँ तक लाऊंगी और इसके बाद जो नीचे है वो कपड़ा फालतू होगा। अब मैं उल्टी तरफ इसको रख के सिलाई लगाऊंगी। कमीज़ का कपड़ा मैंने नीचे रखा है और टाई का कपड़ा मैंने ऊपर रखा है। एक पाँव का गैप देके मैं किनारे से सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। जो वी शेप का कट था उसके किनारे से मैंने सिलाई शुरू की है। अब ये सिलाई दूसरे किनारे तक जाएगी, वी का जो दूसरा कट है वहाँ तक लगाऊंगी। टाई को मैंने गले के साथ जोड़ लिया है। अब मैंने इसको डबल कर लिया है और इसकी डबल करने के बाद सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, ये इसकी मैं उल्टी तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। इसको मैं जब बाद में सीधा करूँगी तो ये गले के साथ अच्छी तरीके से आएगी। इसका किनारा मैंने नीचे से तिरछा करके बनाया है। ये सिलाई मैं किनारे तक ला के छोड़ दूँगी, यहाँ पे इसे पक्का कर दूँगी। यहाँ पे पक्का करने के बाद इसको मैं सीधा करूँगी। ये देखें, इस तरह से ये मैंने पूरी सिलाई नहीं लगाई। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। इसको सीधा करने के बाद इसी तरह से मैं ये दूसरी तरफ भी लगाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने साइड पे सिर्फ इतनी सी सिलाई लगाई थी। अब ये बाकी की सिलाई मैं बाद में लगाऊंगी, पहले दूसरी तरफ से इसको डबल करूंगी। ये देखें, पहले मैंने इसको जोड़ा था, मैंने इस तरह से इसको डबल किया है और सिलाई लगाई है। अब इसका किनारा भी मैं पहले नीचे से तिरछा थोड़ा सा बनाऊँगी शेप देने के लिए और इसको भी उसी तरह से हाफ सिलाई लगाऊँगी। दोनों तरफ से इस टाई को डबल करने के बाद अब जो ऊपर की सिलाई रह गई है वो लगाऊंगी। ये देखें, एक किनारे से ये सिलाई शुरू करनी है और जो कपड़ा फोल्ड नहीं हुआ हुआ उसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है।
इसको बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। गला देखिए तैयार है, कितनी सफाई से आया है फ्रंट से। इसका जो मैंने वी का कट लगाया है उसे ये बहुत ज़्यादा सफाई से आया है। बाजू भी मैंने इस तरह से बनाया है, ये मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। और शर्ट पे फ्रंट साइड पे इस तरह से मैंने पेंटिंग की है और उसके ऊपर बीट्स लगाए हैं। ट्राउज़र पे भी मैंने इसके बीट्स लगा के पेंटिंग की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।